हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम वाशु से मिलेंगे और वाशु का सिंगार दर्शन करेंगे। जैसा कि आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि मैडम वाशु से मिलवाएं और वाशु के सिंगार दर्शन कराएं, तो आज इस वीडियो में हम वाशु के सिंगार दर्शन करेंगे। तो ये देखिए, पहले मैं वाशु को स्नान करा रही हूँ गंगा जल से, क्योंकि एकादशी पर बनी वीडियो है ये। और मैंने उनका नाइट सूट, ऊपर का सूट इसलिए नहीं उतारा है क्योंकि वीडियो में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने नाइट सूट के साथ ही उन्हें नहलाया है, वरना मैं अंडरवेयर के साथ नहलाती हूँ। और अब मैंने वासु को उनका ड्रेस पहनाया। और पता है मेरे वासु के पास ना अभी ज़्यादा ड्रेस है नहीं, ओनली 10 ही ड्रेस है उनके पास, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी पर ही मैंने इनकी स्थापना की है, तो इसलिए अभी उनके पास ज़्यादा कपड़े है नहीं। लेकिन इनकी परचेजिंग करनी है और मैं खुद से भी वीडियो बनाऊंगी इनकी ड्रेस बनाते हुए, आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अब मैंने उन्हें कमरबंद पहना है। कमरबंद मैं इसलिए पहनाती हूँ क्योंकि जो ये शोल्डर गिरते रहते हैं ना, अगर हम कमरबंद पहना देंगे तो ये गिरते नहीं है। और अब मैं उन्हें ये वाला सेट पहनाऊँगी। तो ये देखिए, ये सेट ये मोतियों से बना हुआ है और इसमें वासु की ड्रेस में भी जो वर्क है वो इसी तरह का मल्टी कलर का है, और उसी से मैच करते हुए ये दोनों सेट में वासु को पहनाऊंगी। और ये वासु के कंगन हैं, देखिए कितने प्रिटी हैं, बिल्कुल वासु की तरह। और ये हम एसेसरीज लगाएंगे उनके पग में। और ये हमारे वासु का प्रिटी सा पटका है, ये मैंने आपको बनाना भी बताया है। और ये बीड्स हैं कुछ वाशु का सिंगार करने के लिए, और ये इत्र और ग्लू टेक है और मिरर। सारा सामान अपने साथ रखने से ये फ़ायदा होता है कि हम जब श्रृंगार करेंगे तो हमें इधर उधर से सामान नहीं उठाना पड़ेगा, ना ही हमारे लड्डू गोपाल को तंग होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं वाशु को तंग नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने सारा सामान अपने पास रख लिया है। और अब मैं उन्हें ये सेट बना रही हूँ। इसमें डोरी इतनी छोटी आई थी इस सेट के अंदर कि मैंने इसमें मोली बांधी है। ये देखिए सेट कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ड्रेस से मैच करता हुआ। और अब मैं उन्हें एक ये सेट पहनाऊंगी, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी ड्रेस से मैच करता हुआ है वासु की। और ये मैं पग पहनाऊंगी, ये मैंने शॉपिंग वाली वीडियो में आपको दिखाई हुई है। और ये मैंने उन्हें टीका लगा दिया है। और अब मैं उन्हें चंदन लगाऊंगी। और अब मैं उन्हें उनके बाल पहना दूंगी। देखो मेरे वाशु कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब मैं उन्हें इयररिंग्स पहनाऊंगी, तो ये जर्कन के इयररिंग्स हैं। और अब मैं उन्हें ये पहना दूंगी। और हमारे वाशु बहुत सुंदर लगेंगे, और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे, वैसे तो वो सुंदर हैं ही। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब मैं उन्हें पग पहनाऊंगी। और पता है मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे पास एक व्यूवर्स का व्हाट्सएप पे कमेंट आया, मतलब मैसेज आया, उन्होंने ये कहा कि मैडम आप अपनी वीडियो ना बहुत ज़्यादा एडिट करती हो। तो अब ये बताइए, ये मैंने उन्हें एसेसरीज लगा दी उनकी पग में, अब ये बताइए कि अगर मैं वीडियो एडिट नहीं करूँगी तो उनका श्रृंगार 5-7 मिनट का तो होता नहीं है, कम से कम भी 20-25 मिनट लेंगे। अब 20-25 मिनट की मैं वीडियो लगाऊंगी तो हर कोई तो नहीं देख पाता ना। और मैंने उन्हें कंगन पहना दिए और ये बीड्स, इनसे मैं उनके श्रृंगार करूंगी। तो मैं ये ग्रीन कलर की बीड्स इस पे से निकालूंगी, बहुत सुंदर हैं और फ्लावर शेप में हैं। तो ये मैं बीड्स निकाल कर इस पे ग्लू टेक लगा कर और वासु के गालों पर लगाऊंगी। और मुझे गालों पर लगाना बहुत अच्छा लगता है, वासु के बहुत क्यूट लगते हैं। तो अब मैं उनके गालों पर लगा दूंगी और एक मैं उनके चिन पर लगाऊंगी। तो अब ये बताइए कि आपने श्रृंगार मैंने जो जो किया आपको सब दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं एडिट भी कर रही हूँ तो मैं नॉर्मली भी मैं यही श्रृंगार करती हूँ। अगर मैं इसी वीडियो को बहुत बड़ा बना दूँ तो आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाएंगे, ये शायद आपको काम हो तो आप देख ना पाए। तो इसीलिए मैं आप जितना देख सको, मैं समय का उपयोग करते हुए मैं उतनी ही वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि पता हमें सब चल जाए प्रॉपर, क्योंकि आप सब तो मुझसे भी अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं। जब आप सब मुझे व्हाट्सएप पर पिक भेजते हैं ना अपने लड्डू गोपाल की, और इतना अच्छा श्रृंगार किया हुआ, तो मैं सोचती हूँ कि मुझसे अच्छा श्रृंगार किया हुआ है।
और मैं बहुत ही खुशी होती है मुझे देखकर, और मुझे आपसे सीखने को भी मिलता है। अब मैंने उन्हें ये देखिए बीट्स की ही मैंने उन्हें रिंग पहना दी है, और अब मैं दूसरे हाथ में भी रिंग पहना दूंगी। ये देखिए मैंने दोनों हाथों में अपने बाजू को रिंग पहना दी है और कितने प्रिटी लग रहे हैं। और मैंने उनकी चिन पर भी एक छोटा सा बीट्स लगाऊंगी। ये देखिए भी ग्रीन कलर का मैंने लिया है और इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाकर, बहुत थोड़ा सा, और मैं उनकी चिन पर लगा दूंगी। तो अब देखिए मेरे वासु कितने सुंदर लग रहे हैं बाबू। और अब मैं उन्हें इत्र लगाऊंगी शोना को, और मैंने इत्र हमेशा कपड़ों पर लगाती हूँ, उनके बॉडी पर नहीं। और ये देखिए आप प्रॉपर श्रृंगार, क्या इसमें कोई भी श्रृंगार ऐसा है जो मैंने खुद से किया है और आपको नहीं दिखाया? नहीं ना, वीडियो छोटी बेशक बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, लेकिन दिखाती सब कुछ हूँ, जिससे कि आप थोड़े समय में सब कुछ देख पाएँ। और अब देखिए कान्हा और किशोरी को कितने सुंदर लग रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वासु, कान्हा और किशोरी कैसे लग रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।